गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लाहौर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल, शहरी सख्त परेशान नजर आए। कराची के बाद लाहौर में भी बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर हो गया। सार्फिन का कहना है कि इतने ज्यादा बिल देने के बावजूद गर्मी में बिजली की फराहमी का तसलसल बरकरार नहीं रखा जा रहा। 12-12 घंटे बत्ती नहीं हो गए, बीमार हो गए असी लोग। कल 6 बजे दी गई, आज 5 बजे आई। तुसी दसो असी की करिए, असी बच्चे नूं फांसी ला दी। 3-3, 4-4 घंटे जाती है सुबह से शाम। बच्चे कहेंगे बाहर अंदर गर्मी में फिर रहे होते हैं, ना इधर पानी की सूरत हाल है कोई। लाइट से आदमी नहीं पाई जान बिल्कुल, तो भी बैठे हैं, कपड़े तो भी। बिजली की बार बार बंदिश ने सनतकारों, दुकानदारों और ताजरों को भी परेशान कर दिया है, जिनका कहना है कि हुकूमत बिजली की मुसलसल फराहमी का कोई मुस्तकिल हल निकाले, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानब लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली की तलब और रसद में फर्क नहीं, इसलिए किसी भी जगह गैर ऐलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बाज जगह फॉल्ट पैदा हो जाए तो उसे फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया जाता है।